बंदरों का उपवास। नीलगिरी पर्वतों के जंगलों में सारे जानवर बहुत प्यार से रहा करते थे। एक दिन एक बंदर ने बाकी जानवरों से कहा, दोस्तों तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है। कल मैं नजदीक के गांव के मंदिर में नारियल के टुकड़े के लिए गया हुआ था। वहां एक साधु का प्रवचन सुना। हमारी सारी बीमारियों का जड़ बहुत ज्यादा खाना है, इसलिए महीने में अगर एक दिन उपवास रखें तो सेहत के लिए अच्छा होता है। सियार ने पूछा, उपवास वो क्या होता है, कहाँ मिलता है वो, दिखने में कैसा है? बंदर ने कहा, उपवास का मतलब होता है कुछ भी खाए बिना रहना। ऐसा करने से हमारे शरीर के पाचन शक्ति को थोड़ा आराम मिलता है। ऐसा करना हमारे सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह से शाम तक कुछ भी खाए बिना रहना, इसे ही उपवास कहते हैं। खरगोश ने कहा, तो देर किस बात की, अभी शुरू कर देते हैं। भालू ने कहा, इतनी जल्दी भी क्या है, आज ही तो बताया है, आज पेट भर के खा ले, कल उपवास कर लेंगे, क्या बोलते हो? उस दिन सारे जानवरों ने पेट भर के जो मिला वो खाया। दूसरे दिन सुबह वो सारे एक जगह जमा हो गए ताकि एक साथ मिलके उपवास कर सके। कछुए ने कहा, मेरे दोस्त तुम सब तैयार हो तो हम उपवास शुरू कर सकते हैं। बंदर ने कहा, रुको रुको, हम सब उपवास करेंगे तो शाम तक सब थक जाएंगे, फिर शाम को शिकार पे निकलना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए अभी हम अपना खाना जुगाड़ करके रख ले, फिर उपवास शुरू करते हैं। हाथी ने कहा, ये ठीक है, चलो जाके खाना संग्रह करते हैं। फिर सारे जानवरों ने जाकर बहुत सारे केले संग्रह करके एक जगह लाके रख दिए। फिर उन्होंने उपवास शुरू किया। ओम ओम। बंदर ने कहा, मेरे दोस्त सारा दिन उपवास करने के बाद बहुत जोर का भूख लगता है, जैसे ही उपवास खुलेगा खाने के लिए हम सब लड़ मरेंगे, इसलिए जिसका हिस्सा वो अपने पास रख ले फिर उपवास शुरू करें। हाथी ने कहा, ये ठीक कहा तुमने, ऐसा ही करते हैं। तब सारे जानवरों ने अपना अपना हिस्सा अलग किया और उपवास शुरू किया। ओ फिर बंदर ने कहा, दोस्त मेरा एक और सुझाव है, उपवास करने के बाद हम सब बहुत दुर्बल हो जाएंगे, झुक के खाना उठाना भी शायद मुश्किल हो जाए, इसलिए पहले से ही हाथ में एक केला पकड़ लेते हैं, पर कोई केला खाना मत, क्यों? सियार ने कहा, ठीक है, हर कोई केला हाथ में ही पकड़ के रखना, बिल्कुल खाना मत वरना उपवास भंग हो जाएगा, समझ गए? फिर सारे जानवरों ने अपने हाथ में एक एक केला पकड़ा और उपवास चालू कर दिया। थोड़ी देर बाद बंदर ने कहा, दोस्त मैं बारी बारी बीच बीच में बोल रहा हूँ, बुरा मत सोचना, जैसे मैंने कहा उपवासन के बाद हम बलहीन हो जाएंगे तो शायद केले का छिलका भी ना निकाल पाए, इसलिए केले का छिलका निकाल के हाथ में पकड़ लेते हैं, जैसे ही उपवास खुलेगा ठक से खा लेंगे, क्या बोलते हो? खरगोश ने कहा, अरे बंदर तुम तो बहुत बुद्धिमान हो और बहुत बड़े दूरदर्शी भी, जैसे तुम कहो, पर कोई केला खाएगा नहीं, क्यों? खाओगे तो उपवास टूट जाएगा। तब सारे जानवरों ने केले का छिलका निकाला और अपना उपवास चालू कर दिया। छिला हुआ केला देख के बंदर के मुंह में पानी आने लगा। बाकी सारे जानवरों का भी यही हाल था। ओ थोड़ी देर बाद बंदर ने फिर से कहा, दोस्तों एक मुख्य बात मैंने तो बताना ही भूल गया, धत तरीकी, ये सोच तो मुझे आई नहीं, उपवास करना कोई छोटी विषय नहीं है, बहुत कमजोरी होती है, अपना हाथ उठा के मुंह तक ले जाना भी मुश्किल हो जाएगा, इसलिए केले को मुंह में रख के ही उपवास करते हैं, पर याद रहे किसी भी हालत में केले को खाना मत। भालू ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ केले को मुंह में रख लेने से उपवास भंग थोड़ी ना होता है, खाने से उपवास भंग होता है, केले को मुंह में रख के ही उपवास करते हैं। तब सारे जानवरों ने केलों को मुंह में रख लिया। जैसे ही केले का स्वाद उसके जीभ पे रहा, बेचारे बंदर से रहा नहीं गया।
तब उसने कहा, दोस्तों मुझे माफ कर दो, मैं तो बताना ही भूल गया। मंदिर में स्वामी जी ने कहा था भगवान का नाम स्मरण करते करते उपवास करना। मुंह में केला रहेगा तो भगवान का नाम स्मरण कैसे करेंगे? इसलिए सोच रहा हूँ इसे निगल जाऊं। हाथी ने कहा, ये ठीक है, इतनी कष्ट करके हम उपवास कर रहे हैं, नाम स्मरण किए बिना कैसे करेंगे, निगल लेते हैं केले को। फिर सारे जानवरों ने अपना अपना हाथ का केला खा लिया। तब बंदर ने कहा, दोस्तों उपवास करने के इस महाप्रयत्न से मैंने एक चीज अच्छी तरह से सीख लिया है। वो क्या है कि केले को ज्यादा देर मुंह में नहीं रखा जा सकता। ये तो सच है। ये कहकर सारे जानवर वहां से चले।